नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ लेके आए हैं सैंडविच बनाने का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन है। थैंक यू। देखिए दोस्तों, आज हम आपको सैंडविच बनाना सिखा रहे हैं। सैंडविच के लिए अपने को चाहिए बारीक कटा हुआ टमाटर, कटा हुआ खीरा बारीक, और थोड़े प्याज ग्रेंड किए हुए और थोड़े प्याज बारीक कटे हुए, और आपको चाहिए थोड़ा सा इसमें पाउडर, मसाला पाउडर और ब्रेड। बाद में ब्रेड को बनने के बाद में आप हाफ से काट सकते हो। इसके साथ अपने को मसाला चाहिए। कुकर में आलू उबलने के लिए रख दीजिए। मसाला इसमें हरा धनिया, नमक, हल्दी, सब मसाले होते हैं। अब तवे को गर्म होने दीजिए। तवा गर्म होने के बाद में थोड़ा सा इसमें तेल लगाइए। तेल लगाने के बाद हम आपको बताते हैं, जैसे कि हमारा इसका तेल है, गैस को थोड़ा मंदा कर दीजिए। तेल में आप सफोला ही यूज करें। यह है सफोला तेल, सबसे अच्छा तेल है। ये हमारी इसी कट्टी है, तो तेल में आप सफोला ही यूज करें। ये भी सफोला है, वो भी सफोला है। ऐसे अपने को थोड़ा करके इसके ऊपर लगाना है। आप चम्मच के साथ लगा सकते हो। चम्मच के साथ इसको लगाने के बाद अपने को इसको तवे के ऊपर उल्टा रख देना है। दो ब्रेड रख देने हैं यहाँ पे। दोस्तों, ऐसे ब्रेड लेना है और इसके ऊपर सारा पहले आलू डाल लेने हैं, फिर कटा हुआ खीरा, फिर थोड़ा सा टमाटर, फिर थोड़ा सा प्याज, फिर ये पाउडर मसाले वाला। और इसको ऐसे बंद करने के बाद अपने को गैस के ऊपर रख देना है। और गैस के ऊपर रखने के बाद इसको अच्छी तरह दबाना है। यहाँ से 2 मिनट दबाने के बाद जुड़ जाएगा, फिर इसको छोड़ दीजिए और बिल्कुल मध्यम गैस होकर इसको चलने दीजिए। देखिए, आपका टोस्टर जो आपका सैंडविच है ये तैयार हो जाएगा। अगर आपको सैंडविच सेकना नहीं है तो सिर्फ इसमें डाल के और सॉस के साथ भी आप खा सकते हो। और देखिए, जैसे ये ऊपर सेक रहे हैं, बाद में इनको पलटते रहेंगे और थोड़ा सा सेक लगाएंगे। और देखिए, अपना टोस्टर खा रहे हैं और ये बने हुए रखे हुए अपने, देख लीजिए, बिल्कुल टोस्टर की तरह पैक है, तो आप खा सकते हैं आराम से। तो आप अच्छी तरह यूज कर सकते हैं इनको। बस इसको पलटते रहना है और टोस्टर अपना तैयार है। और यह ध्यान रखें, ज़्यादा सीखना नहीं चाहिए। थैंक यू। ऐसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ लेके आएंगे आपके लिए। धन्यवाद। और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।